जुड़वा बेटे पैदा हुए हैं। आप दुर्गा का ख्याल रखिए, मैं इनके पिताजी को खुशखबरी देके आती हूँ। अच्छा जी, मुबारक हो दीना नाची, आप एक नहीं दो दो बच्चों के नाना बन गए। मैं नाना बन गया। बच्चों के पिता कहाँ हैं? रोज तुझे नाचते हुए देखता हूँ, फिर भी तुझसे दिल नहीं भरता मेरा। अरे 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 जब तक मेरी बेटी के साथ इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ, इंसाफ। अबे अकल के अंधे, अबे उल्लू के पट्टे, अगर मैं तुझ जैसे हर आदमी की बेटी के साथ इंसाफ करने लगता तो आज तक मैं 10,000 ससुरों का दामाद बन चुका होता। चलिए पिताजी, यहाँ हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं बेटी, धीरज रखो। विक्रम, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की और हम गरीब खामोश रहे, लेकिन अगर आज तुमने अपने इन मासूम बच्चों को इनका हक देने से इनकार किया तो ये जिंदगी भर समाज के माथे पर कलंक का टीका बनकर रहेंगे और मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। पहले अपनी हालत तो देख बुड्ढे, सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ा रहा है तू। अगर मैंने तुझ पर एक हाथ रख दिया ना, कफन के गले पड़ जाएगा। अब बस भी करो विक्रम, बहुत हो चुका, बहुत बोल चुके। अगर मैंने बोलना बंद कर दिया ना तो मेरे जूते बोलेंगे। नहीं नहीं विक्रम, जरा ये तो सोचो इन बच्चों का क्या होगा। अरे हाँ, इनको तो मैं भूल ही गया था। इन हराम के पिल्लों को किसी यतीम खाने में डाल दो, और रहा सवाल तुम्हारी बेटी का, शक्ल सूरत भी अच्छी है, किसी कोठे पे बिठा दो, बुढ़ापा बड़े आराम से गुजरेगा। विक्रम! पिताजी! दौलत और ताकत के नशे में मुझ कमजोर अबला को ठुकरा रहे हैं, इन मासूमों को अपनी औलाद मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, कल ऐसा वक्त आएगा कि वक्त की लाठी इन बच्चों के हाथों में होगी और ये आपसे अपना और अपनी माँ का बदला लेंगे, और आप इनसे रहम की भीख मांगेंगे। रहम की भीख मांगेंगे, भीख मांगेंगे, भीख मांगेंगे। मैं भीख मांगूंगा। माँ, ये कैसा इंसाफ है तेरा? तेरे ही सामने उन्होंने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया था और आज वो इनकार कर रहे हैं, अपनी औलाद को भी औलाद मानने से इनकार कर रहे हैं। अब तू ही बता माँ, इन मासूमों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बहन, दुख और सुख तो इंसान की जिंदगी में दिनों रात की तरह आते जाते ही रहते हैं, और सच्ची बात तो ये है कि जो इंसान दुख सह नहीं सकता उसे सुख मांगने का भी कोई अधिकार नहीं। वो तो ठीक है भैया, लेकिन इन दुखी और बेसहारा औरत जिसका दुनिया में कोई ना हो, रोने के सिवा और कर ही क्या सकती है। दुनिया जब इंसान का एक सहारा छीन लेती है ना बहन, तो भगवान उसके लिए 20 सहारे और पैदा कर देते हैं। मैं कैसी देवी को जानता हूँ जो शहर में रहती है, जिसने अपनी सारी जिंदगी आप जैसी बेसहारा और दुखी औरतों की मदद करने में गुजार दी है। आप वहां जाइए, आपको सहारा जरूर मिल जाएगा। मैं
लेकिन मैं तो इस शहर में किसी को नहीं जानती भैया। आपने भाई कहा है तो भाई बहन के रिश्ते को निभाना ही होगा। चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ, चलिए ना। नमस्ते। नाइस किड, चार्मिंग लेडी। चलो चलो। यहाँ बैठिए, मैं घर की मालकिन साहब के बारे में बात करके अभी आता हूँ। चंपा भाई, आधा घंटा हो गया और कितनी देर लगेगी? ताला सारे का सारा नशा उतरा जा रहा है। आधा वर्द है चंपा भाई। आधा वर्द है। आज ऐसा माल लेकर आए कि इनका नशा सारी जिंदगी नहीं उतरने वाला। अच्छा, जरा दिखाओ तो सही। झांक के देख लीजिए, तबीयत हरी ना हो जाए तो मेरा नाम जग्गी नहीं। अच्छा। अरे वाह, क्या माल है। माल तो ठीक है, लेकिन ये साथ में दो बच्चे। उसकी फिक्र मत कीजिए, बच्चों को मैं संभालता हूँ, माल को आप संभालिए। क्या ख्याल है? ख्याल तो नहीं है। हुजूर, उस कमरे में आप तशरीफ रखिए, माल अभी हाजिर होता है। और ये जरा माल से तो मिलाओ। ये आज आपके नहीं, मालकिन। अरे मालकिन क्या कहता है, ये तो मेरी बेटी है। मुझे काम क्या करना होगा? काम तो बड़ा आसान है, चलो अभी से शुरू कर दो। चलो। हाँ, इसे रहने दीजिए, आप जाइए, मैं संभाल लूंगा। रोना नहीं बच्चे। चलो चलो, घबराने की कोई बात नहीं, अपना ही घर है। ये हमारे नए मेहमान हैं, इनको ठीक से खुश रखना। हाँ जी जी, क्या करती है, वरना खाल खींच लूंगी। अरे जाती कहाँ है, चल अंदर। आप अंदर से दरवाजा बंद कर लीजिए। बिल्लो, थोड़ी देर जरूर लगेगी लेकिन लड़की मुट्ठी में आ जाएगी। अरे उसका तो बाप भी आएगा। मैं गरीब इज्जतदार औरत हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे नौकरी दिलाने के बहाने धोखे से यहाँ लाया गया है। मैं आपके पांव पड़ती हूँ भैया। उठो बहन, घबराओ नहीं, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। हमें खबर मिली है कि यहां शरीफ घराने की गरीब लड़कियों को धोखे से लाया जाता है और उनसे मजबूरन ये काम करवाया जाता है। तुम फिक्र मत करो। जगे, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, एक कदम भी आगे बढ़ा तो उस बच्चे को। नहीं 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 ना, तो फेंको पिस्तौल। इंस्पेक्टर फेंको पिस्तौल, नहीं तो बच्चे को मार डालूंगा। बच्चे को न लग जाए। देता हूँ 2 रुपए का क्वार्टर चार आने का चना। हमारे दिन चल भाई। ये बच्चा चाहिए तुम्हें? लंगरा बाजू हटाओ। मंगू भाई तो बच्चे को संभालो, धंधा चालू करो, तुम्हारा कमीशन से आस्ती होगा, समझे तुम? एक डाल पे दो फूल खिले,
कैसे आएगी? दो तीन घंटे अकेल है,
से भी देना देना हर वक्त मिलेगी देना देना। देख के भाई देख के बोला था काय को है बाप गला सुर में ला रहा था। अरे ला रहा है चंदा का डब्बा लाया मैं भाई ये बाटली संभाल चले। जय दुर्गा माई। अरे माल क्यों छुपाता है सेठ? दुर्गा माई का मंदिर बनाने का है, धंधे में बरकत होगी। अरे बाबा माल किधर है? फजर का टाइम है, बुनी तक नहीं हुई। बुनी नहीं हुआ? नहीं अभी कराता हूँ। ये क्या है? चप्पल। कौन सा? कोल्हापुरी। नंबर? दिखाई नहीं देता। नौ नंबर। कौन सा नंबर? नौ। हाँ देखने में नौ, फटके में सौ। हाँ शाबाश, दुर्गा माई तेरा भला करे। रे अरे कुछ हुआ? हो गया अमित भाई। तेरा क्या हुआ रे? अमित भाई हो गया है। हाँ ये बाजू का दुकान वाला सब हो गया है, ये साला जाड़िया मिठाई वाला नहीं देता है। क्यों बे जाड़िए, बहुत चर्बी आ गई क्या? देता है कि तू उतार के? हाँ बराबर डालने तो फोड़ डालूंगा सब कुछ। चले भी दे। क्यों भाई क्या हुआ? अमित भाई अभी तो बहुत दुकान बाकी है। बहुत दुकान बाकी है? ये एक एक करके दुकान में जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। चल इसको पकड़। हाँ रख दे डब्बा। सुनो भाई लोग, ये मंदिर नवरात्रि तक तैयार हो जाना चाहिए, वरना दुर्गा माई को मैं मुंह दिखा नहीं पाऊंगा। इधर डब्बा रखा है, एक एक करके आते जाओ डालते जाओ, बहुत पुण्य का काम है। चलो चलो डालते जाओ रे। अबे चलना मेरा मुंह क्या देख रहा है? चलो चलो चलना माई, चलना भाई चल। हाँ चलना चल, तू भी चल तू भी चल। अरे 50,000 रुपया इकट्ठा करने का है बाप, जल्दी कर जल्दी कर। हाँ हाँ इधर डब्बा में माल डाला। चल चल आ जाओ आ जाओ। क्या भाई काय को आवाज करता है? अरे पहले डब्बा में माल छोड़ फिर रास्ता छोड़ेगा। साहब ये लोग पैसा मांग रहे, क्या करें? साहब इधर दुर्गा माई का मंदिर बन रहा है, उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। दुर्गा माँ के लिए चंदा जमा कर रहे हो या अपनी माँ के लिए? एक ही बात है साहब, दुर्गा माँ भी तो अपनी माँ है ना। अरे क्या साहब 10 रुपया, ये मंदिर बनाने को तो 50,000 रुपया चाहिए। तुम जैसा सेठ कंजूसी करेगा तो ये मंदिर कैसे बनेगा? लेकिन इस तरह चंदा जमा करोगे तो ये मंदिर तुम्हारा बनेगा कब तक? बनेगा साहब बनेगा, चंदा कमती पड़ जाएगा ना तो उल्टा धंधा करके काम निकालेगा, घर फोड़ेगा, डाका डालेगा, चोरी करेगा, खून करेगा, पर मंदिर जरूर कम्प्लीट करेगा। खून कर सकोगे? नहीं मिला तो डेफिनेट करेगा। लो डालो ना साहब। काम के आदमी लगते हैं। सलाम साहब। ए इस्माइल रास्ता छोड़ जानदे साहब को, चले डब्बा हटा सामने से, चल जल्दी। हाँ जानदे जानदे। सलाम साहब लाना रे मेरी दवाई। हाँ अमित भाई अमित भाई। अरे अमित भाई, अरे तेरे बाप को किसने फिरा डाला? फिरा डाला? हाँ किधर? हड्डे पे। Oh my God! अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बेटे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया हूँ। परसों पहले मैंने एक गुंडे को पुलिस से कहकर तड़ीफाड़ करवाया था रघु, वह रास्ता न जाने कहाँ से आ गया और मेरे खून पसीने की कमाई लूट कर ले गया। माय गॉड। और तुम सब लोग साले खड़े खड़े मुंह देख रहे थे? नहीं गुरु। माफ कर दो माफ कर दो भाई माफ कर दो। वो गया किधर? किधर गया वो? बेटे वो कहाँ गया है ये तो मुझे भी मालूम नहीं। पहले वो काली टेकरी सूरी पर हनुमान मंदिर के पास रहता था। अरे काले कोट वाले, अरे उधर क्या ढूंढता, इधर देख तेरे सामने कौन खड़ा है। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। हाँ
अरे यहाँ तो क्या, तू जहाँ जाएगा वहाँ तेरे पीछे आऊंगा। अच्छा तो फिर आजा बच्चे, तेरी पिटाई भी मेरे हाथों से लिखी है। अरे बंदूक से तो कोई भी खेल सकता है उस्ताद। ऐसे आना। इससे तो कोई भी खेल सकता है, ऐसे आओ ना। ये लो उस्ताद। कौन हो तुम लोग? इस इलाके में धंधा करना आयो झगड़ा? रघु दादा से पूछना पड़ता है, समझे? रघु दादा, तुम रघु नहीं हो? नहीं, मैं समझा कि तुम नहीं। माफ कर देना दादाजी, बहुत गलती हो गया। ठीक है ठीक है। ये क्या है? चप्पल। कौन सा? कोल्हापुरी। नंबर? मालूम नहीं। मालूम नहीं, नो नंबर। मेरा नंबर 10 है बच्चों। 10 नंबर है? ले जाओ इसे। बड़ा साहब, ये जिसको तुम लोग सलाम ठोक रहे हैं ना, ये कौन है? ये हमारे इंस्पेक्टर साहब है। इंस्पेक्टर साहब? अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, साहब हमको मालूम नहीं था कि तुम आप इंस्पेक्टर है। किधर मारवार लग गया हो तो माफ कर देना साहब। कोई बात नहीं साहब, आपका मैसेज है। हाँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारा कंप्लेंट मत करना, खाली बिल्ली 1.5 साल का लग जाएगा, अपन का पुलिस रिकॉर्ड बहुत अच्छा है साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ साहब, थोड़ा सा तकलीफ तो जरूर होगा, थोड़ा माफी कर देना। अरे भाई कह दिया ना, कोई बात नहीं, जाओ। अच्छा साहब, नहीं साहब, किधर? क्या है? इंस्पेक्टर खान को किसी ने गोली मार दी। रोमन, तेरा एक बेटा गया, दूसरा भी जिंदा है। मुझे अपने खान मामा की खून की कसम, एक दिन तेरे बेटे का बदला जरूर लूंगा मां, जरूर लूंगा। एक मिनट इंस्पेक्टर खान के खून में इन चार आदमियों पर शक है। ये लोग जमुना बाई के कोठे पे हमेशा जाते हैं। अगर तुम लोगों से मैंने इस खून का बदला नहीं लिया तो समझो मेरे मुझे पुलिस की वर्दी पहनने का कोई हक नहीं। जमुना भाई, बुलाओ उसको। अभी तैयार हो गया है। अरे कब तक तैयार होते रहेंगे? उसको तैयार होने में टाइम लगेगा, लेकिन हम एकदम तैयार है। हमसे काम चलेगा? अरे ये हूँ क्या करता है सेठ, हम तुमको ऐसा चीज दिखाएगा, ऐसा चीज दिखाएगा तुमने अपने लाइफ में नहीं देखा बाप। ये
ये क्या है, ये क्या है? चप्पल। अरे वो तो सबको मालूम है कि चप्पल है, लेकिन कौन सा चप्पल? कोल्हापुरी। कोल्हापुरी वो निच्चू दादा लोग है ना, वो रामपुरी से काम चलाता, लेकिन हम कोल्हापुरी चप्पल से काम चलाता है। कौन सा नंबर? 6 नंबर। साला 9 नंबर का चप्पल को 6 नंबर बताता है? माफ करना बाबू, आँख से दिखाई कम देता है। हाँ दिखता कम है, आँख से दिखता नहीं, कान से सुनाई देता नहीं, मुंह में जितना दांत है सब नकली, वो भी गिरने को आया। और साला कोठे पे गाना सुनने आया, तुम चल निकल बाहर, निकल निकल निकल। ये दड़िया शर्म नहीं आती, बाहर निकल, चल। अरे अरे हे, तुमने आज फिर शराब पीकर बंकर करना शुरू कर दी। अरे आज मोहल्ले में पूजा खत्म हुई, तोबा तोड़ डाली, बोतल खोल डाली और गड़ागड़ पी डाली। तुम रोज आकर मेरे ग्राहकों को क्यों तंग करते हो? अरे ये लोग इधर आना बंद करेगा तभी तो तू मेरे साथ शादी करेगी। बोल। मैं 10 बार कह चुकी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। पर क्यों, क्यों? अरे यही तो उम्र है, 18 का सीन है, एक बार ही उम्र ढल जाएगी तो कोई नहीं आएगा, ये लोग में से कोई नहीं आएगा। क्यों भाई लोग, ये बुढ़ी हो जाएगी तो तुम लोग इधर आएगा? क्या बोला था? ये कोई नहीं आएगा, खाली मैं आएगा, मैं। ये बाल सफेद हो जाएगा तब भी मैं आएगा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग बैठे, इनकी बातों पे बच जाइए, मैं नाचूंगी। ऐसा क्या? ठीक है तुम नाचेगा तो हम गाएगा। बरस की तू होने को आई रे, 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा जतन कुछ कर ले, सजन कर ले जतन कुछ कर ले। गुजर ना जाए घड़ियां, टूट
होती है पायल तो बनती है हथकड़ियाँ, हाय टूटती है पायल तो बनती है हथकड़ियाँ। जो खबर मिली थी वो सही थी यादव। सीधे खड़े रहो वरना मुंह फिरा दूंगा। टांडू क्यों जाया ना? अरे तांबा आसा कसा क्यों जा? अभी तो हमने अपना हाथ भी साफ नहीं किया। बोले गद कुपची मोर के नाक की राजबरी चालू कर दो फिर तुम इनको क्यों जा? तुम तो वही। अरे साहब तुम तो शिवरी टेकरी वाला साहब है ना? सलाम साहब। तो तुम यहां भी पहुंच गए। तुम जहां भी पहुंचते हो दंगा फसाद शुरू कर देते हो। साहब नहीं साहब ऐसा बात नहीं है। जिधर मैं जाता हूं ना दंगा फसाद उधर पहुंच जाता। लेकिन साहब एक बात बताऊं, वो पुलिस में हमारा कंप्लेंट मत कराना, हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा चलो जाओ। जाना तो एक दिन सबको है साहब, लेकिन साहब वो क्या है, पुलिस में हमारा कंप्लेंट मत करना साहब, रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। तुम बकवास बंद करते हो या नहीं? बकवास क्या साहब, तुम हमको बंद कर दो चलेगा, लेकिन वो साहब क्या है हमारा कंप्लेंट। और बकबक की तो हथकड़ी लगा दूंगा। आप करें तो क्या साहब, आप फांसी लगा दो चलेगा, लेकिन साहब वो हमारा बात क्या देना साहब, हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। शराब तो क्या हम गेट आउट हो जाएगा साहब, लेकिन हमारा रिकॉर्ड नहीं खराब होना चाहिए साहब। ओ हमारा कंप्लेंट, ओ ओ साहब जरा हमारा रिकॉर्ड का ध्यान रखना साहब। कौन हो तुम, इस तरह क्या देख रहे हो? अब माजी आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो? आज से 15 साल पहले जब आपका बेटा नशे में तो सड़क पर पड़ा था तो मैं ही उसे उठाकर लाया था, याद है? हाँ, हाँ। तो तू वही है? हाँ माँ जी। आ बेटा अंदर आ। अरे तू तो बड़ा लंबा चढ़ा हो गया। अरे बस माँ जी, जिंदगी की तन्हाई ने खींचतान कर लंबा कर दिया और दुखों के बोझ ने दबा दबा कर चौड़ा बना दिया। लेकिन आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा माँ जी। कैसा उपकार? मुझे पढ़ने का शौक था, आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई थी, मुझे किताबें दी थी, याद है? ये देख माँ मैं मैट्रिक पास हो गया। अच्छा वाह। अरे अरे जीते रहो जी। ये क्या तूने शराब पी है? देखने को तो मैं इसे पीता हूँ माँ जी, लेकिन अंदर ही मुझे पीती है।
माँ जी, उस दिन जब आपका बेटा शराब पीकर आया था तो आपने उसे एक चांटा मारा था। उसे एक चांटे ने उसकी सारी जिंदगी बदल दी। कहां से कहां पहुंच गया वो। काश मेरी भी कोई मां होती, उसने मुझे भी चांटा मारा होता तो आज मैं इतना नीचे न गिरा होता। कौन है मां? देख तो। तुम? हां साहब। तुम यहां क्यों आए हो? बेटे, कल रात आपने मेरी जान बचाई, उसी का शुक्रिया अदा करने आते साहब। हाँ ठीक है ठीक है, शुक्रिया अदा करना है तो पुलिस स्टेशन आओ, ये मेरा घर। ये तो कैसी बातें कर रहा है? हाँ तो मेरे काम के बीच मत बोल, वैसे लोगों मुंह लगाएगी तो दुनिया भर के लुच्चे लफंगे इस घर में आना शुरू कर देंगे। तू जानता है ये कौन है? हाँ मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। तू नहीं जानता। याद है जब बचपन में तू शराब के नशे में धुत था तो यही तुझे उठाकर घर लाया था। क्या नाम बताया था तूने? तू मत बता, मैं बताता हूँ। अमित। हाँ। कमाल है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे क्या बताता साहब, आपने तो बोलने का टाइम ही नहीं दिया, एकदम बोलती बंद कर दिया हमारा। बैठ जा बैठ जा। ये लो प्रसाद, दुर्गा माई का। तो भक्त ना? अब तो अपनी खूब जमेगी। तू दुर्गा माई का भक्त है? मैं दुर्गा माई का बेटा। तुम दोनों को साथ साथ देखकर मुझे अपने खोए हुए बेटे की याद आ गई। आज वो मेरे पास होता तो इतना ही बड़ा होता। अरे यही समझ माँ, मैं तेरा वही बेटा हूँ, बरसों पहले खो गया था, आज मिल गया। मैं देखती हूँ। हेलो, इंस्पेक्टर किशन है जी? बुलाती हूँ। किशन, तुझे बुला रहे हैं। हेलो। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो मेरे चार आदमी जो तुमने पकड़ रखे हैं उन्हें छोड़ दो, वरना। कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप। क्या हुआ भाई, गुस्सा क्यों होता है? किसका फोन था? तुम्हारे बाप का। ए भाई, अरे नहीं बताने का है तो मत बता, माँ बाप को बीच में क्यों लाते है? अरे मेरे भाई, तुम्हारे बाप का मतलब उसने कहा था मेरे बाप का। आजा। ऐसा बोलना, मैं तो समझा तू मेरे बाप के बारे में। लगता है तुम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हो। माँ जी, जब उनको देखा ही नहीं तो प्यार कहाँ से करूंगा। मतलब तुम्हारे माँ बाप? नहीं माँ जी, कोई नहीं। आगे पीछे ऊपर नीचे सब मैदान खाली है, कोई नहीं। ये भाई जैसा लगा था इसको मिलने आया तो ये भी अपनी वर्दी की धौंस जमाता है। तेरी शादी भी नहीं हुई? अरे माँ, इसे लड़की कौन देगा? लुच्चा लफंगा, 6 महीने बाहर तो 6 महीने अंदर। हाँ ये बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, लड़कियों की लाइन लगी रहती है अपने घर के बाहर, कभी आके देख जाना। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेता? क्या बताऊँ माँ, कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। तुम आजकल के लड़कों को हो क्या गया है, कोई लड़की पसंद ही नहीं आती? इसका भी यही हाल है, 50 लड़कियां देख चुका है लेकिन एक पसंद नहीं आती। कैसे पसंद आएगी? सीधी सी बात है माँ, अनपढ़ अंगूठा छाप मुझे नहीं चलेगी, और पढ़ी लिखी मॉडर्न तुझे नहीं। मुझे सब चलेगी, पहले तू ले तो आ। बराबर है, तू लेकर तो आ। सुना? पहले माल तो निकालो बेबी। देती हूँ बाबा, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो मुझे अपने बाप पर नहीं, तुम पर क्या होगा? ये लो 50 रुपए। 50 का जमाना गया बेबी, आजकल भाव 100 रुपया हो गया। जानती हो दिन रात पुलिस की धार पड़ती रहती है, माल बड़ी मुश्किल से मिलता है। दे दो ना प्लीज। वो देखो, वो लड़की जो लाल कपड़ों में तुम्हारे साथ आई है, एक बार टाका फिट करवा दो, मैं तुम्हें ये ड्रिंक फ्री ऑफ चार्ज दे दूंगा। पहचान तो मैं करा दूंगा, बाकी का काम तुम्हारा है। वैसे वो बहुत शर्मीली लड़की है, यहाँ कॉलेज के ड्रामे के लिए एटमॉस्फेयर देखने आई है। जैक एक सिगरेट देना, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। और ये तुम्हारी दोस्त के लिए। सुनो, एक कश लगवा दो, सारी की सारी शर्म खुद ब खुद निकल जाएगी। अरे अन्नू,
अकेली बैठी बैठी क्या कर रही है? Come on, have a cigarette. मैं और सिगरेट नाबा बना. अरे कॉलेज के ड्रामे में सिगरेट पीने की एक्टिंग तुमने करनी है. मैंने नहीं, बैठे अभी से रिहर्सल कर लो. Come on, have it. No, Julie. Come on, please. आज ये पी लीजिए, आपकी खांसी रुक जाएगी. अनु, दिस इज मिस्टर गोपाल, इस डिस्को के मालिक, और गोपाल ठीक है. प्लीज टू मीट यू. हेलो अनु जी, आप ये चरस गाने की बुराइयों पर ड्रामा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं. मुझे पूरा यकीन है कि नौजवान लड़के लड़कियों पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा. And you know, I'm very happy about that. आप ऐसा कीजिए, आपकी जो टिकटें बाकी बची हैं मुझे भिजवा दीजिए, मैं सब की सब बिकवा दूंगा. Hey brother, quickly. Excuse me. कौन हो? मैं तुम्हें यहाँ पहली बार देख रहा हूँ. अरे मैं सारी दुनिया देख चुका हूँ, सारे अड्डे देख चुका हूँ. इस अड्डे का नाम सुना था बहुत अच्छा मिलता है इसलिए. अनु, व्हाट डिड यू गो ऑन द फ्लोर? कम ऑन, टेक हर ऑन द फ्लोर. आई जॉइन लेट्स डांस. अरे डांस करोगी तो मूड ठीक हो जाएगा. हमारा हाथ क्यों पकड़ता है? हथकड़ी लगाने के लिए. हथकड़ी? और तुम पुलिस. अनु, यहां तो झगड़ा हो रहा है, चलो बाहर चले. चलो वो आपको तो है. चलो चलो अंदर चले गए. आते हैं आते चले. चलो फोटो चल भाई, चल अंदर चल. चलो बैठो. कहाँ जाना मैडम? बोलो. हाँ बोलो बोलो. मुझे कहीं भी ले चलो. कहीं भी ले चलो. कमाल. कहाँ ले जाऊं, कहाँ जाना है? अरे कुछ अता पता कोई ठिकाना है क्या? तुमको सुनाऊं
गर्ल। क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे? चलो उठ, चाय पी ले। अरे उठना। क्यों रे? पुलिस वालों ने आजकल जेब में पिस्तल की जगह लड़कियों के सैंडल रखने शुरू कर दिए क्या? सैंडल किसकी जेब से निकले? अच्छा ये क्या सैंडल? कमाल है मां, किसी पड़ोसी का सैंडल लाकर मेरी जेब में डाल दोगी तो मैं मान जाऊंगा क्या? अरे वाह, ये लिपस्टिक का निशान भी किसी पड़ोस वाले का है। हा? लिपस्टिक? बताना कौन है वो? कौन कौन? यही लिपस्टिक वाली सैंडल वाली। अरे जाना माँ, खाऊंगा जबरदस्ती है, ऐसा भी क्या है? बता ना। माँ तू जल्दी से बस नाश्ता वास्ता तैयार कर दे, मेरे कपड़े भी तैयार कर दे, आज मुझे बहुत जल्दी है और स्पेशल ड्यूटी पे जाना है, जल्दी कर माँ, मैं अभी नहा कर आता हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, कौन हो तुम? मैं अन्ना हूँ। नहीं नहीं नहीं, नाम से कैसे पहचानेंगी? मैं मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, आज खरी कमाई करने निकली हूँ। खरी कमाई? हाँ। वो क्या होती है? हम लोगों के घरों में जाकर काम करते हैं और लोग उसके बदले में हमको जो पैसा देते हैं उससे गरीबों के कपड़े और दवाइयां खरीदते हैं। नहीं बेटी, मेरे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है? नहीं। ओ
एक मिनट, वो तस्वीर किसकी है? वो मेरे बेटे की। बेटे की? हाँ। ओ, एक मिनट जरा, बुला दीजिए ना उन्हें। क्यों? वो माफी मांगनी है। माफी किस बात की? वो कल रात उनके साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आई थी ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, तो तू है वो सैंडल वाली? सैंडल वाली? हाँ। अरे अरे, जाती कहाँ है? मैं वो। अंदर आ, अंदर आना। लेकिन माँ जी, वो। चुप, बैठ बैठ। कहाँ फंसी अन्नू? ये सैंडल तेरे हैं? ये नहीं, नहीं, मेरे नहीं है। ये सैंडल तेरे हैं? हाँ। अब बोल, तू खरी कमाई के लिए आई है ना? जी हाँ। बोल, तू क्या क्या काम कर सकती है? ओह, काम सब कुछ जो एक लड़की कर सकती है। अच्छा? हाँ। आ मेरे साथ। सुन, किशन अभी ना आ रहा है जी। तू जल्दी से उसके लिए ऑमलेट बना दे, कपड़ों को इस्त्री कर ले और जूते पॉलिश कर ले, समझ गई ना? मैं भी आई। पॉलिश, इस्त्री, ऑमलेट। हाँ हाँ, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं नाश्ते के बाद कपड़े वपड़े पहन लूंगा। जल्दी करो माँ। अरे वाह, आज तो स्पेशल ऑमलेट लगता है माँ। ऐसे कैसे हो गया आज? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़ों को पॉलिश कर दिया, जूतों का ऑमलेट बना दिया और नाश्ते को इस्त्री कर दिया। नहीं नहीं, गड़बड़ है। अब तक रात की उतरी नहीं क्या? आज तो हम कॉलेज की ओर से खरी कमाई करने निकले हैं। अरे भागो यहाँ से, माँ ने देख लिया तो खरी खरी सुनाएगी और कमाई की जगह धुलाई हो जाएगी। अरे लेकिन माँ ने ही तो ये सब कुछ करने को कहा था। हाँ, मैंने कहा था। क्या? बोल, पकड़ी गई ना चोरी? किस बात की चोरी? मैं पुलिस वाला हूँ, कोई चोरी वोरी नहीं करता। पुलिस वाला तो है, लेकिन किसी रोज चोर को पकड़ते वक्त जेब में से पिस्तौल की जगह सैंडल निकल आया तो अखबार में फोटो छप जाएगी। अरे माँ, ये खामखा गले पड़ रही है, मैं तो उसे जानता भी नहीं। आ बेटी, मुझे सब मालूम है, बैठ। ये ले। ये तो इसे नारियल क्यों दे रही माँ? तेरे सर पे फोड़ने के लिए। अरे बुद्धू, लड़की जब पहली बार घर आती है तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए? ये तो कह क्या रही है? चल चल, जल्दी से 10 रुपए निकाल और रख दे इसके हाथ में। 10 रुपए किस बात के? इसकी खरी कमाई के। खरी कमाई के? मैं क्यों दूं? क्यों नहीं देगा? अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दे, कल जब इस घर में आएगी तो अपनी खरी कमाई भी इसके हाथ में लाके देनी पड़ेगी। माँ, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बेटी, तू जल्दी से अपने घर वालों को खत लिख दे कि फौरन मुझे आकर मिले। पोस्टमैन, बसंती के नाम चिट्ठी है माँ जी। पर भैया, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, बसंती अब यहाँ नहीं रहती, वो अब बंबई में रहती है और उसका बंबई का पता मैंने पहले ही डाकखाने में लिखवा दिया है। आप ये चिट्ठी उसी पते पर भेज दीजिए। अच्छा माँ जी। हाँ। मेरी प्यारी बेटी बसंती, पहले भी तुम्हें कई खत लिख चुकी हूँ लेकिन तुम्हारा कोई जवाब नहीं मिला। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है, उनका नाम है किशन, वो पुलिस इंस्पेक्टर है। उनकी माँ ने भी मुझे बहू के लिए पसंद कर लिया है। अब वो आप दोनों से मिलकर शादी की बात पक्की करना चाहते हैं, इसलिए एक खत मिलते ही आप दोनों मेरी हॉस्टल पर बंबई आ जाइए। वैसे भी मैं जीजा जी से नहीं मिली, इसी बहाने मिल लूंगी। आपकी बहन।
अन्नू। किसका खाता है बेटी? अन्नू का माँ जी, उसकी शादी तय हुई है। अच्छा, लड़के की माँ मुझसे मिलना चाहती है। तो मिल लेना। मिल तो लूं, लेकिन लेकिन तू कब तक अपनी असलियत लोगों से छुपाती रहेगी बेटी? माँ जी, मेरा घर तो बस नहीं सकता। अनु को पढ़ा लिखा कर जब तक उसका घर न बसा दूं, मुझे अपनी असलियत छुपानी पड़ेगी। किशन, अरे माँ, तुम यहाँ क्यों? चौक गया? नहीं, मैं तो वो किशन, मुझे मालूम है किशन ने तुझे यहाँ बुलाया है। और ये भी बताऊँ किस लिए बुलाया है? ताकि अन्नू के साथ उसकी शादी ना हो सके, है ना? मगर एक बात याद रखना अमित, मुझे वो लड़की पसंद है। किशन की शादी उसी से होगी, और वो भी तू उसे राजी कराएगा। मैं? हाँ तू। लेकिन माँ, माँ मैं कैसे? वो मैं नहीं जानती। अगर तूने नहीं किया तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी, समझा? लेकिन मैंने किया क्या है माँ जी? किया नहीं, करना है। क्या करना? यही जो मैं कह... किशन, मैं यहाँ छोकर सुन रही। कहाँ यार, हमें तुझे ढूंढते ढूंढते तो मैं थक गया हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ? एक सांस ले। वो है ना? कौन? वो। अरे कौन? अनु। जिनका नाम है आजकल के लोग क्या नाम रख देते हैं यार, अनु अनु अनु। अरे यार माँ ने, अरे हुआ क्या यार? माँ चाहती है कि मैं अनु से शादी कर लूँ। तो कर ले शादी। कैसे कर लूँ शादी यार, ऐसे थोड़ी ऐसी शादी। मैं शादी नहीं करना चाहता। तो मत कर। हाँ नहीं करते, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा भैया। अमित, एक तरीके से ना कहना होगा। एक काम कर, तू अनु के पास जा। अनु से कहे कि किशन खराब आदमी है, शराबी है, पापी है, पाखंडी है। जितनी बुराइयां तुझमें हैं उतनी बुराइयां मुझमें हैं। अरे तू सुना मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे ज्यादा टाइम नहीं है, ड्यूटी पे जाना मुझे। ये देख। हाँ हाँ, सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, किसकी सुनो किसको देखो, कुछ समझ में नहीं आता। तेरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर तूने उसके सामने मेरा रिकॉर्ड खराब नहीं किया तो मैं तेरा रिकॉर्ड खराब कर दूंगा। मेरा रिकॉर्ड? ए भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देख, उसके सामने तेरी सारी बुराई करने के बावजूद भी वो शादी से इनकार न करे तो? तो एक काम करते हैं, कल उसकी बहन और जीजा जी को मेरे घर में जाने देना, यहीं बुलवा लेना। हाँ। अपन दोनों मिलकर शादी कैंसिल करवा देंगे, समझा? हाँ। हाँ। ए, ए, एक मिनट, इसके बावजूद भी अगर शादी की बात नहीं टूटी तो? टांग तोड़ दूंगा तेरी। टांग तोड़ दूंगा? ए भाई, ए। हाँ। कौन सी टांग? ये कि ये वो? इसकी तो पहले ही एडवांस बुकिंग हो चुकी है। क्या? नहीं नहीं, जा जा, जा। हाँ। कमाल है, सभी मेरी टांग के पीछे पड़े हुए हैं। किशन की बात मानो तो माँ टांग तोड़ देती है, माँ की बात मानो तो किशन टांग तोड़ देता है। काम न करो तो दोनों मिलकर टांग तोड़ देते हैं। इस टांग ने तो मुझे अजीब मुसीबत में टांग दिया रे। माँ, माँ चली गई, सब मेरा साथ छोड़कर चले गए। चल निकल, एक तू ही है जो मेरा साथ नहीं छोड़ती। बात दरअसल ये कि किशन जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो, बहुत ही घटिया पोकल चालू किस्म का आदमी। उसके चक्कर में अगर तुम पड़ोगी तो जिंदगी भर माथा पीटती रहोगी कि हाँ ये मैं किसके चक्कर में पड़ गई। अरे अरे रो मत, बात समझने की कोशिश करो, ये तो लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है। माँ ये कहती हैं कि किशन जैसा ईमानदार, शरीफ और अच्छा आदमी तो है ही नहीं। जितना खूबसूरत वो खुद है, उससे हजार गुना खूबसूरत तो उसका दिल है। यानी दुनिया में अगर कोई शरीफ है तो बस किशन। मगर जहां तक मैंने सुना है, बेवड़ेबाज है। इंग्लिश मिली तो इंग्लिश, कंट्री मिली तो कंट्री, नौकरी पे कम जाता है, जुआ खेलने ज्यादा जाता है, और जहां लड़की दिखी चला उसके पीछे। फिर ये नहीं देखता कि उसने वर्दी पहनी है या नहीं, साथ में दो चार हवलदार हैं या नहीं, चला लड़की के पीछे सीटी बजाता हुआ। पट गई तो पट गई, नहीं तो पिट पिटा के आ जाता है। मगर माँ ये कहती हैं कि मेरा बेटा
अरे शराब तो एक तरफ, शराब की बदबू की वजह से शराब की भट्टी पर धाड़ भी नहीं मारता। और जहां तक लड़कियों का ताल्लुक है, जहां लड़की देखी ऐसा शर्मा के बैठ जाएगा जैसे खुद लड़की हो। आंखों में शर्म, बातों में हया। मगर किशन ये कहता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने कभी अनु से शादी नहीं करनी। अगर माँ ये कहती है कि दुनिया इधर की उधर तो क्या, ऊपर से नीचे हो जाए, मैंने अनु को अपनी बहू बनाकर ही रहना है। मगर बंद करो ये तुम्हारा आगर मगर, कभी इधर अगर कभी उधर मगर, थाली के बैंगन की तरह इधर लुढ़कते हो उधर लुढ़कते हो। मैं सोचती थी तुम आए हो तो मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम तो मुझे आगर मगर के चक्कर में फंसा रहे हो। मैं अकेली हूं ना, इसीलिए अगर मेरी दीदी और जीजा जी आज यहां होते तो तुम इस तरह से मेरा मजाक नहीं उड़ाते। मेरी ओर से कोई बात करने वाला नहीं ना। मामला कुछ गंभीर मालूम होता है। देखो भाई, अपुन बहुत सेंटिमेंटल किस्म का आदमी है, लड़की को रोते हुए देखता है तो इधर कुछ कुछ होता है। एक बात बताओ, तुम्हारा बहन किधर है? मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जब आ आया कि वो लोग तीर्थ यात्रा पे चले गए, यहाँ नहीं आ सकते। अच्छा, फिक्र मत करो। तो एक बात बता, तू किशन से प्यार करती? हाँ। सच्चा प्यार? हाँ। बस बस बस, फिर कोई परवाह नहीं। अब चाहे मेरी टांग टूटे या मेरा रिकॉर्ड खराब हो, लेकिन किशन के दिल में तेरे प्यार का रिकॉर्ड बजा के रहूंगा। वरना मेरा नाम नाम हाँ? नाम हाँ? अमित नहीं। मैं नहीं बनती किसी की दीदी बीदी। तुझे तो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की आदत पड़ गई है। अरे टांग नहीं अड़ा रहा हूँ, किसी का घर बसा रहा हूँ। मेरा घर तो तू बसाने से रही, कम से कम किसी दूसरे का घर तो बसा दे। वो मेरा दोस्त है ना इंस्पेक्टर किशन, ये लड़की उससे प्यार करती। किशन, क्या नाम है उस लड़की का? अन्नू। अन्नू? हाँ। देख बसंती, मैं उस लड़की को वचन देके आया हूं कि अगर उसकी शादी किशन से नहीं हुई तो मेरा नाम अमित नहीं। ठीक है, मगर मैं एक शर्त पर चलूंगी, उस लड़की को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, घूंघट ओढ़कर चलूंगी। अरे तू घूंघट तो क्या, उसके ऊपर बुरका डाल के चल, मगर चल। अच्छा। हाँ, दूसरों की शादी के लिए तो राजी करवा लिया तुझे, एक दिन अपनी शादी के लिए तुझे राजी न कराया तो मेरा नाम नाम हाँ हाँ वाह वाह, खूब बजा रहे हैं। और यहां अपनी बज रही है, देखो ना, ना तुम्हारी बहन आई, ना जीजा, ना मेरी माँ, ना वो साला अपना दोस्त। भाई ऐसा लगता है अब वो नहीं आने वाले। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, देखिए वो जरूर आएंगे। हाँ। नो चांस, मुझे लगता है उन्होंने कहीं और ही मुलाकात कर ली है, और ये फैसला भी कर लिया है कि हमारी शादी ना हो। ओ बहू, तो कौन के अंदर शादी नहीं होगी? ये कौन है? ये वो ओ जी, मैं हैगा कुड़ी दा जीजा। हाँ। ये हैगी ओदी जीजी। हाँ, जीजा और जीजी आ गए ना, जिन्हों कहंदे ने दीदी। तेने कसम खाई हुई है कि जब तक अपने पैन दे हाथ पीले नहीं करेगी, एने अपना मुंह नहीं दिखाना। और तू पैन दे टके कहंदा तू कुड़ी नाल व्याह नहीं करना, की खराबी साड़ी कुड़ी विच? क्या मतलब? ओ मतबल मैं बाद ही दसांगा। ए बता, लंबाई कितनी हैगी? क्या? और तेरा कद कितना है बाऊ? 5'11". 5'11", ठीक है कुड़िए? हाँ जी ठीक है। वजन कितना है तेरा? ओए 62 किलो। 62 किलो, क्यों भाई ठीक है अभी? एक मिनट। हाँ जी, ओ अभी ठीक है। और मैं क्या काम की करना है? इंस्पेक्टर हूँ। की टिकट इंस्पेक्टर?
नहीं नहीं पुलिस इंस्पेक्टर। अच्छा अच्छा अजी मैं क्या तिल भी तो देखो ना। ला मैं तो भूल ही गया ओ भौजी आते थोड़ा तिल लेगा। ओ मैं क्या भौजी यार ये तिल विल का क्या चक्कर है। अजी तिल के साथ इसके दिल की बात है। लड़की की कुंडली में लिखा है कि जिस लड़के के साथ इसका ब्याह होगा उसका कद 5 फुट 11 इंच तो वजन 62 किलो और एक काला तिल होगा। और ये सब गल्ला तुझमे है। ये लो शगुन। शगुन हाँ। अरे नहीं 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 सॉरी ये लो अपना शगुन। और जीजा जी मुझे माफ कीजिए मेरा पीछा छोड़िए और इस लड़की का रिश्ता किसी और से जोड़िए। ओ मैं क्या भौजी से चल जाए। ओ भौजी एक मिनट गाते सुनो। अरे बना दी जोड़ी तेरी रब ने बना दी जोड़ी तू हाँ कर या ना कर यारा ओ यारा ये बोले जोगी का इक तारा।
सौरभ दी मैं मर जावा लड़ाई थी ये तो झूठी वो झूठी पहन ले प्यार की ये अंगूठी हो तेरी रब ने बना हथे जोड़ी तेरी रब ने मैं जी भैन जी का तो कम हो गया हूं साढ़ा की होगा ऐ तो रब ही जाने ओ कुड़िए और रब के बाद जानेगा पहले मैं दसदा चक दे कुड़ी मिस्टर जग्गी हम जानते हैं कि शहर में काला बाजार जो चल रहा है अनाज का वो सब तुम्हारे हाथ में है और हम ये भी जानते हैं कि जितने भी अनाज की गोदाम है वो सब तुम्हारे हैं तो हम ये चाहते हैं वो सारे गोदाम तुम हमारे हवाले कर दो अच्छा किस खुशी में इस खुशी में कि हम तुम्हें पार्टनरशिप देना चाहते हैं पार्टनरशिप हमारा माल तुम्हारे गोदामों में रहेगा और हमें इस माल से जो भी मुनाफा होगा वो सब का सब तुम्हें 20% का हकदार बना देगा मंजूर है चलो बेटे क्यों क्या हुआ मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े आदमी होकर इतनी छोटी सी बात भी कर सकते हैं ये गोदाम मेरी रोजी हुजूर मुल्क में जब अकाल पड़ता है लोग दाने दाने को तरसते हैं तो मैं अनाज की मुंह मांगी कीमत वसूल करके लाखों करोड़ कमाता हूं और आप मुझे सिर्फ 20% का लालच दे रहे हैं तो 25% ले लो ये 20-25% का काम कोई 2% का आदमी ही कर सकता है इसलिए बेहतर है आप कोई और पार्टनर ढूंढ लीजिए जानते हो किससे ना कह रहे हो तुम और आप भी जानते हैं ये बेहुदा सवाल किससे कर रहे हैं मैं चाहूं तो मिनटों में तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकता हूं मिस्टर विक्रम हम चाहें तो तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़वा सकते हैं यकीन नहीं आता तो इस तस्वीर में अपने कारनामे देख लो अच्छी खींची है ये अपने ही किसी के खिंचवाले का काम लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं लगती बाहर ले जाओ इलाज कर दो इसका मैंने कुछ नहीं किया मुझे माफ कर दो साहब मैंने कुछ नहीं किया छोड़ दो मुझे प्लीज छोड़ दो गुड लक मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े आदमी होकर इतनी छोटी सी बात भी कर सकते हैं ये गोदाम मेरी रोजी है हुजूर मुल्क में जब अकाल पड़ता है लोग दाने दाने को तरसते हैं तो मैं अनाज की मुंह मांगी कीमत वसूल करके लाखों करोड़ों कमाता हूं आप मुझे सिर्फ 20% का लालच दे रहे हैं इस टेप से आपको भी 10-15 साल की जेल तो आसानी से लग सकती है ना डैडी खामखा झगड़ा करने से क्या फायदा विक्रम अंकल ना तो मैं बुरा बोलता हूँ ना बुरा सुनता हूँ और ना ही बुरा देखता हूँ हमारे बुजुर्गों ने भी यही कहा है इसलिए अंकल हम ना तो किसी की बुराई करेंगे ना ही ये फोटोग्राफ किसी को दिखाएंगे और अंकल आप भी ये टेप किसी को नहीं सुनाएंगे मेरे ठीक कहा ना डैडी आप बोलते क्यों नहीं तुम्हारा लड़का तुमसे ज्यादा अकलमंद है थैंक यू अंकल थैंक यू ठीक है मेरी कमजोरी तुम्हारे पास तुम्हारी कमजोरी मेरे पास कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा डैडी ये रहा इस तस्वीर का नेगेटिव हम इन दोनों कमजोरियों को एक ऐसे ताले में बंद कर देंगे जिसकी 2 चाबियां होंगी एक चाबी तुम्हारे पास रहेगी और दूसरी मेरे पास डन डैडी लेकिन 50-50 डन डन थैंक यू किशन बेटे ये उसी आदमी की तस्वीर है ये मेरे बेटे को रिश्वत देने आया था मेरे बेटे ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया मुझे तो ऐसा लगता है मेरे बेटे की मौत के पीछे जरूर इसी का हाथ है अगर खान मामा की मौत के पीछे इस आदमी का हाथ है अम्मी जान तो आप भरोसा रखिए इस बार ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा किसकी बात हो रही है बेटे खान मामा के कातिल की जरा मैं भी तो देखूं खान भैया का कातिल तेरे कपड़े खराब हो गए बेटे
फोटो साफ दिखाई नहीं देती। माँ, जिस दिन इस आदमी को गिरफ्तार करूंगा, दुनिया के साथ साथ तू भी इसे देख लेना। साहब, आपसे कोई मिलने आए? गुलाब आइए। नमस्ते। क्या आप ही मिस्टर विक्रम हैं? जी मैं इंस्पेक्टर किशन हूं। क्या मैं बैठ सकता हूं? बैठिए। थैंक यू। कहिए क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? बस मेहरबानी चाहिए आपकी। फरमाइए। सुना है आप पुलिस वालों पर बहुत मेहरबानियां करते हैं, कुछ मैं... सॉरी, मेरा पुलिस वालों से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। आपको किसी ने गलत खबर दी है? नहीं साहब, बिल्कुल सही खबर मिली है। आपने इंस्पेक्टर खान को भी बड़ी रकम देने की कोशिश की थी, जिनका पिछले दिनों खून हुआ। इंस्पेक्टर खान? जी हाँ। इंस्पेक्टर खान, नाम सुना है? हाँ, पेपर में पढ़ा था, मैं जानता रहूँ। देखिए आप बड़े आदमी हैं, ये छोटी मोटी बातें कहाँ याद रहेंगी आप लोगों को। वैसे आपसे एक विनती है, जो मेहरबानी आप इंस्पेक्टर खान पे करना चाहते थे, अगर उसकी बुरी माँ पे हो जाए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो गैर कानूनी काम आप खान साहब से करवाना चाहते थे वो मैं कर दूंगा। गैर कानूनी काम? लगता है तुम पुलिस में नए भर्ती हुए। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि बगैर किसी सबूत के किसी शरीफ आदमी को तंग नहीं क्या करते? बेटे, पहले सबूत मुहैया करो, उसके बाद बात करना। अब मेरे खाने का वक्त हो गया और मैं खाते वक्त किसी से बात नहीं करता। गेट आउट। ठीक है विक्रम सिंह, आज तो तुम अपने घर का खाना खा लो। अगर एक दिन मैंने तुम्हें जेल का खाना नहीं खिलाया तो मेरा नाम भी किशन कपूर नहीं। साहब, ये इंस्पेक्टर जब से आया है लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। इंस्पेक्टर खान के बारे में भी लोग ये कहते थे, लेकिन मैं इसे अपने आदमी से नहीं मरवाऊंगा। तो फिर साहब? एक आदमी है, उसे पैसों की जरूरत है मंदिर बनाने के लिए। ये साला मोहल्ला कंजूस मक्की चूस, काइलर से बचने के लिए जेब में हाथ डालो भाइयों। अरे जेब में हाथ डालने को बोला तो ठेगा दिखाता है। अरे नीचे उतरा मेरे बेटे, अरे गिर गया तो मर जाएगा। अरे गिरने दे मरने दे, और पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? ये कमबख्त मोहल्ले का मुंह तो नहीं देखता ये साला का मोहल्ला कंजूस। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। साला पिक्चर देखने के लिए तो 50-50, 100-100 रुपए का टिकट ब्लैक में खरीदता है, मंदिर बनाने के लिए सब साले करके। आज मौका अच्छा है, इसी को कूद जाए, बाकी मंदिर हम बनवा लेंगे। ए अमित, अरे नीचे कूद जा, बाकी मंदिर हम बना लेंगे। क्या बोला? अरे नीचे कूद जा, बाकी मंदिर हम बना लेंगे। अरे तो पहले बोला होता ना, पॉकेट में इतना ऊपर चढ़ा दिया। ठहर जाओ, कुत्ता है, कुत्ता है। हाँ आ, एक दो तीन। नहीं नहीं नहीं, ये कौन गारंटी देगा कि मेरे मरने के बाद ये मंदिर बनेगा? देखो ये लोग मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ चीटिंग किया तो अरे आप उनके पास भी है। हेला, अरे उन लोग का ठप्पे अगर है तो इसे इस्तेमाल करके नीचे उतरा। अरे नीचे उतरा मेरे पास। बुड्ढा बराबर बोलता है, बराबर बोलता है बुड्ढा। एक तो ये लोग ने भांग पिला के मेरे को ऊपर चढ़ा दिया, अभी इधर से सीधा और ऊपर चढ़ाने को देखता है। कितना फांदेबाज है ये लोग। अच्छा हुआ मैं नहीं कूदा बाप, कूदता तो मर जाता। मरता तो फिर दुर्गा माई को क्या मुंह दिखाता? मेरी जेब में तो 5 पैसा भी नहीं है। मैं मेरे को बता दिया ना, रगड़ा दिया ना, अरे थोड़े से के लिए इतना ऊपर चढ़ा दिया ना। तेरा काम तो मैंने शुरू करा दिया, पर पूरा कौन कराएगा? मेरा बाप। अरे बाप होता तो मैं उसके पास भीख मांगता, वो मेरा पता पूछते हुए मुझे ढूंढ लेता। अरे खुद ना आता तो कम से कम किसी को भेज तो देता। साले आज
हवाला सब देते हैं फराज, पता चला वक्त पर सिर्फ अपने काम आते हैं। अमित नाम का आदमी कौन है यहाँ पर? वो क्या ऊपर खड़ा है? ऊपर ये अपन के अपने कब आएंगे और मंदिर पूरा कराएंगे? अपनी जेब में तो 5 पैसा नहीं है। अमित नीचे आ जाओ, नीचे हमारा साहब ने तुमको बुलाया है, जल्दी आ जाओ। अरे तुम्हारा साहब को बोलो ऊपर आकर के बात करे, जब तक ये मंदिर नहीं बनता अपन नीचे नहीं आने वाला। तुम नीचे आ जाओ, साहब तुम्हें मंदिर के लिए पैसा देंगे। पैसा क्या करो, आता है जाना नहीं, यहाँ अभी आता है, आता है आता है। पैसा का नाम सुनकर तो स्काईलाइफ की तरह उतरेगा, अपन भी उतरेगा, अपन का भांग भी उतरेगा। तुम्हारा मंदिर का काम कैसे चल रहा है? कौन है भाई? मंदिर का काम तो ठीक चल रहा है साहब, मगर आप हैं कौन, सामने क्यों नहीं आते? सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। हाँ फरमाइए। सुना है तुम्हें मंदिर के लिए 50,000 रुपयों की और जरूरत है। हाँ साहब जरूरत तो है। ये 50,000 रुपये मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? हाँ साहब सब शर्त मंजूर है, अपन तो जान देने को तैयार है। जान देना नहीं बल्कि जान लेना है। हाँ लेगा साहब। लेना है? हाँ, इस आदमी की जान लेनी है। अरे नहीं नहीं साहब, मैं तो यही मजाक में बोल गया, ये खून अपन से नहीं होगा। अरे मारा मारी बोलो, मोहल्ले में किसी से झगड़ा करने को बोलो, 50 मवाली के अंदर से किसी को उठा के लाने को बोलो, ये सब करने को तैयार है, लेकिन मर्डर, ये छुरी चाकू नहीं रे बाप। अपना तो ये कोल्हापुरी बेस्ट है साहब, इसी को चलाता है। ये तो इंस्पेक्टर किशन है, इसका खून करना है? हाँ। अरे साहब तो पहले क्यों नहीं बोला, इसका और मेरा तो 36 का आंकड़ा है, यानी दुश्मन है मेरा। लेकिन साहब पहले माल। ये 25,000 रुपये, बाकी के 25,000 काम हो जाने के बाद। हाँ ठीक है साहब, आप बाकी के 25,000 तैयार रखिए, आधे घंटे के अंदर इस आदमी की लाश आपको समुंदर में मिलेगी। सुनो। तब? समंदर में नहीं, इसका खून हमारी आंखों के सामने होगा नवरात्रि पर तुम्हारे मंदिर में। अबे गधे, कम से कम उसकी शक्ल तो देखी होती। कैसे देखता यार, काले शीशे के पीछे बैठा हुआ था। आंख पे पट्टी बांध के ले गया, पट्टी बांध के ले आया, साला जगह भी नहीं मालूम। तब तो मुश्किल है, क्या करें? करना क्या है, फोन करूंगा तेरा। क्या? हाँ और क्या, अरे भाई वो खुद भी आने वाला है, पैसे दिए उसने, वो भी मंदिर के लिए, उसके साथ बेईमानी थोड़ी ना करूंगा। लगा के आया क्या? लगा कर नहीं, लेकर आया हूं, ये देख, इससे खून करूंगा तेरा, और वो भी। अरे काय को डरता है यार, ये तो स्प्रिंग का गुप्ती है, ये देख, आज तो सिर्फ आया गया है, उस दिन तो खून लगा के आएगा। आइडिया समझ में आया कि नहीं? हाँ आइडिया तो समझ में आया, लेकिन भाई उस दिन भी यही गुप्ती लेकर आना, बाय मिस्टेक दूसरी गुप्ती लेकर आया ना तो अपनी बलि चढ़ जाएगी। बलि तो जरूर चढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, लेकिन तेरी नहीं। ऐसा क्या? आई सर, आ जा। बना दे मेरे काम नाम रे।
कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आन पड़ी चढ़ाने बाकी देर किस बात की से चक्कर आ गया इसे अरे अरे किसी डॉक्टर को बुलाना खंगरू हम जैसे लोगों के यहां होते हुए किसी डॉक्टर या वैद्य की क्या आवश्यकता है यह भगवान का घर है यहां उनका नहीं हम जैसे अंतर्यामियों का चमत्कार चलेगा लेकिन लेकिन महाराज लेकिन लेकिन कुछ नहीं हम इसे दोबारा जन्म देंगे यहां एकांत में कोई कमरा है हां महाराज इधर एक कुटिया है इस बालक को उठाकर हमारे हाथों पर रख दो संभालो ठहरो हम एकांत में अपना चमत्कार दिखाएंगे तुम सब हमारा इंतजार करो Thank you.
स्वामी। क्या हुआ किशन? क्या हुआ? भाग गया। किशन, 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 अमित तो ठीक है ना? किशन, अमित मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। किशन, किशन, डॉक्टर साहब इनकी आंखें, इनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, डॉक्टर साहब बस यही एक सहारा रह गया है मेरे पास, किसी भी तरह इसकी आंखें ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब सुना है आप लोग दूसरों की आंखें लगाकर इंसान को दोबारा देखने के काबिल बना सकते हैं, क्या इस केस में ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, चांसेस है। तो फिर आप मेरी आंखें लगा दीजिए डॉक्टर साहब, मुझसे ज्यादा इन्हीं आंखों की जरूरत है। वैसे भी इन आंखों ने गंदगी और नर के सिवा देखा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग ऐसे केसेस में वही आंखें इस्तेमाल करते हैं जो कि कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस के कारण गई हो। फिलहाल आई बैंक में ऐसी आंखें नहीं है, फिर भी आप इनकी आंखों के लिए एप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है साहब। क्या सोच रहा है बेटे? सोच रहा हूं मां कि मैं तो एक बुरा इंसान हूं, सारी जिंदगी गलत रास्ते पर चलता रहा, कानून तोड़ता रहा, इसीलिए जिंदगी और तकदीर से मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन तेरा बेटा तो एक शरीफ ईमानदार इंसान है, उसे जिंदगी से क्या मिला? उसे सच्चाई के रास्ते पर चला के तुझे क्या मिला? उन माओं को क्या मिल जाता है जिनके जवान बेटे सरहदों पर दुश्मनों की गोलियां खाकर शहीद हो जाते हैं? अगर हर मां अपने बेटे को सीने से चिपकाए रखेगी तो दुनिया में किसी भी मुल्क में आजादी का झंडा नहीं लहराएगा, और न किसी मां को भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की मां कहलाने का गौरव मिलेगा। क्यों अमित, अब बोल, हाँ कोई जवाब है तेरे पास मां की बात का? मां की बात का तो जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन उस आदमी का जवाब मेरे पास जरूर है जिसने तुझसे तेरी आंखें छीनी है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, कभी भी जोश में आकर कोई ऐसा वैसा काम मत करना जो कानून के खिलाफ हो। कानून के खिलाफ क्या है या क्या नहीं है ये मैं नहीं जानता किशन, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जिस आदमी ने तेरी आंखों की रोशनी छीनी है जब तक उसकी जिंदगी में अंधेरा न कर दूं मैं चैन से नहीं बैठ सकता। नहीं अमित, ये कोई जवाब नहीं। तेरे लिए अगर कोई जवाब है तो ये। हाँ मेरे दोस्त, पहले वर्दी और ले ले अपने दोस्त की जगह। पुलिस की वर्दी? मैं इसे कैसे पहन सकता हूं? तुझे तो मालूम है कि शाम होते मैं शराब की तरफ उठता हूं। ये मैं भी जानती हूं, और ये भी जानती हूं कि साल में 9 दिन तो दुर्गा मां के लिए शराब छोड़ देता है। क्या तू मेरे लिए शराब नहीं छोड़ सकता? मुझे भी तो तू अपनी मां समझता है, मेरा नाम भी तो दुर्गा है। मैं जानता हूं अमित तुम्हारा दोस्त है, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि तुम जैसा समझदार और रिस्पॉन्सिबल अफसर उसकी तरफदारी कर रहा है। तुम एक ऐसे आदमी को कानून का ओहदा दिलवाना चाहते हो जिसने जिंदगी भर कभी कानून की परवाह नहीं, लड़ाई फसाद करना उसका शौक है। सर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी शराब है, शराब के बिना उसका जिस्म कांप उठता है, और जब तक 2-4 गिलास अंदर नहीं जाते उसके सीने की आग नहीं बुझती। आपने उसके शरीर की वो आग देखी है जो शराब की तड़प में उसके सीने को जलाती है, पर आप लोगों ने वो आग नहीं देखी जिसने उसके बचपन को जला दिया, जिसने होश संभालते ही अपने आप को मां की गोद की बजाय शराब के अड्डे में पाया। जिस उम्र में मां बाप औलाद के नाज उठाते हैं उसी उम्र में वो नशे में धुत लुढ़कते हुए शराबियों को उठाकर उन्हें घर पहुंचाता रहा, तब जाकर उसे 2 वक्त की रोटी मिलती। शरीफों के साए में रहकर शराफत की बातें करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं सर,
मगर जुर्म और गुनाह का जहर पीने के बाद भी सच्चाई की तमन्ना रखने वाले इस दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अमित को बुलाओ। नमस्ते साहब। हाँ तो तुम पुलिस में भर्ती होना चाहते हो? हाँ साहब, अगर आपकी मेहरबानी हो। मैं जाहिल नहीं हूँ साहब, पढ़ा लिखा हूँ, मैट्रिक पास हूँ। जिंदगी में कोई सहारा नहीं था, इसलिए रात रात भर फुटपाथ पर लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ा हूँ साहब। ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट। साहब आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं पाप और जुर्म के बीच पला हुआ हूँ, मैं उनकी एक एक जड़ जानता हूँ। ये दारू की भट्टियां, ये जुए के अड्डे, काला बाजार के गोदाम, स्मगलिंग की जगह सब जानता हूं मैं। साहब जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह मुजरमों में पला हुआ मैं मुजरमों से भरे इस गंदे समाज को खत्म कर डालूंगा। साहब प्लीज मुझे एक चांस दीजिए साहब, प्लीज। मुझे ये वर्दी पहनने का एक मौका दीजिए साहब। अगर मैंने इस वर्दी की इज्जत ना रखी, अपने दोस्त की लाज ना रखी, तो आपको पूरा अधिकार है कि इस वर्दी के साथ साथ मेरी खाल भी इस जिस्म से उतार लें साहब। ठीक है, हम इस बात पर गौर करेंगे। अच्छा साहब, बसंती अभी तो ग्राहक आए नहीं, और तू उनको पहले से भगाने आ गया? नहीं बसंती, आज मैं झगड़ा करने नहीं, कुछ मदद मांगने आया हूं। क्या? ये देख मेरे हाथ में बोतल है। ये कौन सी नई बात है, अभी हाथ में है, थोड़ी देर में दिमाग में चढ़ा लेगा। नहीं बसंती, आज मैं चढ़ाने नहीं उतारने आया हूं, हमेशा के लिए। लगता है कल रात के अभी तक उतरी नहीं। विश्वास कर बसंती, मैं सच बोल रहा हूं। अगर आज तूने मेरा साथ दिया तो मैं हमेशा के लिए इसका साथ छोड़ दूंगा। देख बसंती, अगर तेरे दिल के किसी कोने में मेरे लिए प्यार है, प्यार में सही थोड़ी सी हमदर्दी है, तो मुझे रोक ले। तू नाच, तू गा, तू कुछ भी कर, लेकिन मुझे इससे दूर रख, क्योंकि अगर आज मैंने इसे नहीं छुआ तो मैं जिंदगी भर कभी नहीं छूंगा। नहीं साथ देगी? ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही।
तोड़ दी बसंती। ये देख बोतल, बोतल तोड़ दी मैंने, मैंने शराब की बोतल तोड़ दी बसंती। इस शहर से मुझे छुटकारा मिल गया, मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा बसंती। मेरी कसम आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी शराब नहीं पीऊंगा। मां, अरे अरे ये क्या? देख मां, देख देख, तूने शराबी को क्या से क्या बना दिया। कल तक जो कानून तोड़ता था, आज तूने उसे कानून का रखवाला बना दिया। ले मिठाई का। मुकुल मुकुल। किशन कहाँ? किशन अंदर है। किशन, ओ किशन, किशन देख देख इस वर्दी में कैसा लग रहा हूं मैं। सॉरी, काश तू देख सकता यार। हाँ, अरे क्यों नहीं देख सकता भाई, हाँ? क्यों नहीं देख सकता? अरे बड़ी अच्छी वर्दी है। माँ 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 माँ, जल्दी से काला टीका लगा दे, नहीं तो नजर लग जाएगी। काश तुम दोनों एक जैसी वर्दी में होते। तो क्या हुआ माँ, वर्दी मैंने पहनी, इसने पहनी, एक ही तो बात है, हमारे जिस्म दो हैं लेकिन जान तो एक है। हाँ माँ, अब देखना, इसका दिमाग और मेरी ताकत दोनों मिलकर कानून तोड़ने वालों का मुंह तोड़ देंगे। चल तू चला। मैं? अरे नहीं, चला नहीं, नहीं, नहीं। अरे मैं हूं ना तेरे साथ। अमित क्लच दबा। नहीं हमारा कहीं बड़ी
है। बेटा नहीं, पुलिस। आज से ये सब धंधा बंद। किशन गोली मत चला, जाने देना, बुड्ढा है, चल भाग। जवानी के दिन रात जैसे हम हैं, जवानी के दिन रात जैसे लगता है बचपन से है साथ जैसे, दिल यार का या यार की अपना है क्या, ये वर्दी भी तो सरकारी है। हम लोगों ने विक्रम को पार्टनर तो बना लिया है, लेकिन मुझे एक बात का खतरा लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो वो गोडाउन का मालिक बन बैठे और हम देखते रह जाएं। बेटे, अपने बाप को जानते हो ना? इस काला बाजार के मैदान में लाखों आयर मुंह की खाकर चले गए, और तुम्हारा बाप कल कहां था और आज कहां है, इसकी वजह से इस गोदाम में पहुंचने तक माल विक्रम का होगा और यहां पहुंचते ही हमारे कब्जे में होगा। कहां जाता है? कुछ भी करो, शहर का बड़ा से बड़ा वकील करो, लेकिन मेरे बेटे को पुलिस से छुड़ा कर लाओ। जाओ हरी अब। जागे, जागे, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। यार, अरे ये तुमने मुझे कैसा लड़का दिया, उसको मैं अपना खून पिलाकर बड़ा किया था,
खून पिलाकर नहीं शराब पिलाकर। हाँ हाँ, लेकिन बड़ा तो किया था, अपने धंधे के सारे दांव पे सिखलाए थे उसे, लेकिन उसने वो सारे दांव पे उल्टा मुझ पर आजमा लिए। पुलिस अफसर बन गया। जानते हो सबसे पहले क्या काम किया उसने? क्या किया? मेरा अड्डा बंद करवा दिया। तो मैं क्या करूं? जगी, मैं पुरानी दोस्ती का वास्ता देने के लिए आया हूँ, मेरी कुछ मदद करो ताकि मैं फिर से अपनी टांगों पर खड़ा हो सकूं। मैंने लंगड़ों को टांग पे खड़ा करने का अस्पताल नहीं खोला है। ऐसा ना कहो जग्गी, तुम भी कभी फाई फाई के लिए मोहताज था और उस वक्त हम तुम्हारे। देखो इस वक्त मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। इसको 5-10 रुपए दबा निकालो। 5-10 रुपए और नहीं तो क्या 20-25 हजार रुपए लेना है? ले तो मुंह का लगो, चलो निकल पाने। अच्छा जगी, मैं तो आज का दिन याद रखूंगा, पर तुम भी आज का दिन याद रखना। तेरी जात का बेड़ा मारूं जगी, सारा धक्के मार के मेरे घर से निकाला तूने। देख के नहीं चलता क्या लंगड़े? दूसरी टांग भी तोड़वानी है क्या? विक्रम से चलो ड्राइवर प्लीज गाड़ी रोको। विक्रम से चलान साहब, आप मेरे को नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। मुझे? यस सर, विक्रम सेठ, हम दोनों एक ही टाइप का धंधा करते हैं। क्या? हाँ, फर्क सिर्फ इतना है सर, आप बड़े किस्म का धंधा करता है और हम छोटे किस्म का। सर हमारा बैलक चल रहा है, इस वास्ते जगी के बच्चे ने धक्के मार के मेरे घर से बाहर निकाल दिया। सर सर आप मेरे काम देकर देखिए, हम देखने में लंगड़ा जरूर हूँ लेकिन बहुतारी में हम किसी भी दो टांग वाले से कम नहीं हूँ सर, नहीं हूँ सर। अच्छी बात है, हम भी देखेंगे तुम्हारी वफादारी की टांगे कितनी मजबूत है। कल सुबह हमारे दफ्तर में आ जाना। ओके सर, ओके। जय उस पुलिस ऑफिसर के नाम जिसने हमसे टक्कर लेने की कोशिश की और अपनी आंखें खो बैठा, और बहुत जल्द अपनी जिंदगी भी खो बैठेगा। लेकिन उसका दोस्त अभी जिंदा है जो अपनी आंखों से उसे रास्ता दिखाएगा और उसकी वर्दी पहनकर अपना पर्स निभाएगा।
क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं। माँ, आज करवा चौथ है, सुहागन उपवास रखती है और अपने पति का चेहरा देखकर उपवास खोलती है, लेकिन मेरे ऐसे भाग कहाँ? मेरे दुश्मन मेरे पीछे पड़ गए दुर्गा, मेरे दुश्मन सब मेरे दुश्मन मेरे पीछे हैं। आज मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल रही। जब मैं बुरा था लोग मुझे कहते थे अच्छा बन जाओ, आज जब मैं अच्छाई के रास्ते पर चलने लगा हूँ वही लोग फिर मुझे दोबारा गंदगी के रास्ते पर घसीटना चाहते हैं। सब मेरी जान के दुश्मन बन गए दुर्गा, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मुझे कहीं छुपा लो दुर्गा। दुर्गा किसी मत कहना मुझे बुरी लगी, मत कहना, मैं बहुत कमीना आदमी हूं दुर्गा। एक रोज तू मेरे दर पे अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए आई थी और मैंने तुझे धिक्कार के वहां से निकाल दिया था, और आज आज जब मेरी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ी तो मुझे तेरी चौखट पे आना पड़ा। ऐसा न कहिए। उस रोज शराब के नशे में मैंने तुझे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन यकीन मान दुर्गा उस दिन के बाद मुझे कभी सुकून नहीं मिला, कभी सुकून नहीं मिला मुझे। दुर्गा मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन अगर तुझसे हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं? पति कैसा भी हो लेकिन पत्नी का धर्म है कि वह उसके चरणों की धूल से अपनी मांग सजाए। नहीं दुर्गा, धूल नहीं, मैं अपने खून से तेरी मांग सजाऊंगा। मेरे दोनों बेटे कहां हैं? उनकी सूरत देखने के लिए मैं सालों साल से तड़प रहा हूं। एक तो बचपन में ही खो गया था और दूसरा। कौन है मां? यह है आपका दूसरा बेटा। किससे बात कर रही हो? पिछले दिनों किसी ने इसकी जान लेने की कोशिश की थी, अगर वो कमीना मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किशन जानता है बेटा कौन आया है? कौन आया मां? तेरे पिताजी। पिताजी? हाँ बेटे, वो बरसों से हमें तलाश कर रहे थे, आज हमें ढूंढ ही लिया। मां उनसे कहो कि वो यहां से चले जाएं। ये तो क्या कह रहा है? मैं ठीक कह रहा हूं मां, हमसे हमारी जिंदगी के तमाम हक छीनकर सुहागन होते हुए भी तुम्हें एक विधवा की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करके वो आज यहां क्या लेने आए हैं? किशन, ये उस वक्त कहां थे जब तू लोगों के घर मजदूरी करके मेरा पेट भरती थी? उस वक्त कहां थे जब तेरे इलाज के लिए मैं लोगों के सामने एक एक आने के लिए हाथ फैलाया करता था और बदले में वो मेरे हलक में शराब के गिलास उंडेल दिया करते थे? किशन, नहीं दुर्गा, नहीं दुर्गा, इसे कह लेने दो जो कहना है, इसे अपने दिल की भड़ास निकाल लेने दो इसे। मैंने तुम्हें सिवाय दुख के और दिया भी क्या है? किशन तू सच कहता है, मैं तेरा बाप कहलाने के लायक नहीं। अगर समाज में मेरी वजह से तेरे नाम पे बट्टा है तो भूल के भी किसी से मत कहना कि मैं तेरा बाप हूं। कह देना ये आदमी एक नौकर है मेरे घर का। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। उस पर भी अगर तू राजी नहीं मैं यहां से चला जाता हूं बेटा। नहीं नहीं जाने दो दुर्गा, जब मेरा अपना बेटा नहीं चाहता मैं यहां रहूं, मैं नहीं रह सकता। इन्हें रोक लो किशन। ठहरिए पिताजी, आप हमारे साथ रहिए। किशन, किशन बेटे, मेरे बेटे। चलिए अब आप आराम कीजिए। खून
हेलो हेलो कौन बोल रहा है? आई एम पास्कल। कौन? विक्रम सिंह। आई एम पास्कल सिंह। पास्कल, तुम वहां क्या कर रहे हो? मेरे सब आदमी कहां है? आपके सब आदमी पुलिस के डर के मारे यहां से भाग गया सर। कल जगी का बेटा गोपाल हमारे खिलाफ अदालत में गवाही देने जा रहा है। डॉक्टर वाणी सर, आपका ये एक आंख वाला वफादार नौकर जग्गी के एक आंख वाले बेटे को अदालत में नहीं जाने देगा। शाबाश। सुनो पास्को, जैसे वो तुम्हारे हाथ लग जाए ना, मुझे इस नंबर पर फोन कर देना। 533981। श्योर सर, श्योर सर। अमित, अमित, मेरी बहन कानपुर में रहती थी। मैं उसे कानपुर में ले गई, वो वहाँ पर नहीं थी। वहाँ के लोगों ने कहा कि वो बम्बई में है। बम्बई में मैंने उसे ढूंढा, वो नहीं मिली। किसी ने कहा कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा दो। बैठो बैठो। क्या नाम है तुम्हारी बहन? बसंती। बसंती। ये रहा उसका फोटोग्राफ। और यही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बोलो ना। ये क्या बोलेगी? मैं बताता हूँ। इसे यहाँ की दुनिया, ये तबले की थाप, घुंघरू की झनकार, पैसों की खनक, इन सब चीजों ने इसके पांव में बेड़ियां डाल दी हैं। इसे बाहर जाते डर लगता है, शरीफों की बस्ती में सन्नाटा महसूस होता है। और नहीं, ये गलत है। तो हकीकत क्या है, जानना चाहती हो? तो आओ मेरे साथ। एक गरीब और बेसहारा लड़की के लिए कोठा तुम्हारी शरीफों की दुनिया से हजार गुना बेहतर है अमित बाबू। यहां गंदे लोगों के बीच रहकर भी इज्जत बच जाती है, और वहां इज्जतदारों के बीच रहकर भी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता है। यही मेरे साथ हुआ। गांव में जब अकाल पड़ा तो सबसे पहले मुझे उसका शिकार बनना पड़ा। एक ही बैल था मेरे पास, वो भी मर गया, इसलिए मजबूर होकर मुझे जमींदार के पास जाना पड़ा। क्या है? पैसों की जरूरत है। मेरे पास नोट छापने की मशीन रखी हुई है क्या? पुराना कर्जा तो चुका नहीं सकी, नया कर्जा मांगने चली आई। मैं सब चुका दूंगी सेठ जी, मगर आज मदद कर दो, बहन को शहर में पैसे भेजने हैं। अरे कहां से चुकाओगी? तुम्हारी बहन की पढ़ाई के लिए तुम्हारे घर का सारा सामान तुम मेरे पास गिरवी रखा है। सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए। अरे लाला, थोड़े पैसे दे दो ना, गरीबों की दुआ लेनी चाहिए, आड़े वक्त काम आती है। भाई मेरे बस की तो बात नहीं है, तुमसे कुछ होता है तो कर लो। ठीक है, हम ही कर लेते हैं। आ कहां? ऊपर। ऊपर? हाँ, पैसों का मामला है ना, थोड़ी लिखा पढ़ी कर लेते। अच्छा। इस तरह वो मुझे फंसा कर ऊपर ले गया। मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे, ये ले। अरे वाह, एक तो मदद करो और ऊपर से नखरे भी उठा। मालिक, खून हो गया है, खून, तुमने खून किया। मेरे लिए जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, मौत के सिवा सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। क्या कर रही हो तुम? क्यों अपनी जान देने पर? पहले बताओ कौन? चुप हो जाओ।
आ बेटी। ये हाँ बेटी, समाज के ठेकेदार इसे कोठी के नाम से जानते हैं। दुनिया में ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ समाज के इज्जतदार लोग आते हैं, फिर भी बदनाम है। यहाँ लाने से तो अच्छा होता कि आप मुझे मर जाने देती। नहीं बेटी, तुम गलत समझ रही हो। हम लोगों का दिल बहलाने के लिए गाते नाचते जरूर हैं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचते। यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं सब मेरी बेटी समान है। आज से तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करना मेरा काम है। आओ बेटी। और इस तरह मैं इस कोठे पे आ गई। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, इस हालत में क्या मैं तुमसे शादी कर सकती थी? ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कही? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? तुम पर तो विश्वास था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। बसंती तुम, बसंती तुम जानती नहीं हो कि कानून की नजरों में मैं जानती हूँ। एक ने एक दिन तो गिरफ्तार होना ही था। चलो अच्छा है, आज तुम्हारे हाथों गिरफ्तार हो रही हूँ। बनती है हथकड़ियाँ, टूटती है पायल, बनती है हथकड़ियाँ। आपका बताया हुआ काम हो चुका है और गोपाल हमारे कब्जे में है। अरे भाई रॉन्ग नंबर है। किसका फोन था बेटे? पता नहीं पिताजी, कोई कह रहा था कि काम हो गया है, गोपाल हमारे कब्जे में, रॉन्ग नंबर। विक्रम साहब से कहिए कि जग्गी आया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी से नहीं मिल सकते। मेरा नाम कौन से, शायद उनकी तबीयत ठीक हो जाए। इन्हें आने दो बेटे। देखा मेरी आवाज सुनते ही बिस्तर से उठकर चलने भी लग गए। कहिए कैसे आना हुआ? सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मिलने चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओ संभलो बेटा, ये मेरा बेटा है किशन। इनकी आंखें बचपन से ही? जी नहीं, कुछ दिन पहले किसी मेहरबानी से मैं अपनी आंखें खो गया था। पिताजी लगता है आप लोग काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, बहुत सी बातें करनी होंगी। एक्सक्यूज मी, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। हाँ बेटा। बैठिए। तुमको कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहाँ हूँ? अपने धंधे वालों की खबर तो रखनी पड़ती है ना। यहाँ किस लिए आए हो? विक्रम साहब आपको याद होगा, एक लॉकर में हमारी कमजोरियां बंद हैं, जिसकी दो चाबियां हैं, एक आपके पास एक मेरे पास। याद है तो? मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी चाबी मेरे हवाले कर दें। किस खुशी में? बात खुशी और गम दोनों की है। खुशी इस बात की कि आपकी तरह पुलिस को मेरी तलाश नहीं है, मेरा धंधा जोरों पे चल रहा है। और गम की बात यह है कि अगर आपने वो चाबी मेरे हवाले करने से इनकार किया तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि आप कहां छुपे हुए हैं। हाँ ये बात है, तो शॉर्टकट में बात करो ना यार, इतने लंबे भाषण देने की क्या जरूरत है। पुलिस से बात करूंगा, मैं नंबर मिला लेता हूं, तुम बात कर लो।
हूँ। मैं विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ यस सर, कहिए। जग्गी साहब बात करना चाहते हैं। शर साहब पोठे मौन। लो बात करो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो जग्गी, बात करो। हेलो। कौन? जग्गी साहब। कौन बोल रहा है? मैं आपका पुराना गुलाम पास्कल बात कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड? यू टॉक टू योर सन, अपने बेटे से बात करो। डैडी गोपाल, तुम क्या कर रहे हो? मैं इन लोगों के कब्जे में हूँ डैडी, प्लीज आप इनकी सब शर्तें मान लीजिए, वरना वरना ये मुझे जान से मार डालेंगे। तुम बोल काम कर रहे हो? हो गई पुलिस से बात? क्या कहा पुलिस ने? आ रही है ना? विक्रम आज आज बाजी तुम जीत गए। जीत गया ना? अब तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, वो हेलीकॉप्टर जो तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, और उसके बदले में मैं तुम्हारा बेटा और चाबी वापस कर दूंगा। मंजूर है? मंजूर है। तुम 2 घंटे के अंदर मेरे बेटे को लेकर हैंगर पहुंचो, हेलीकॉप्टर तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा बेटे, तो बाप की बातें चोरी छुपे टेप की जा रही हैं? हाँ पिताजी, पुलिस में सिखाया जाता है कि चोरों की बातें चोरी छुपे ही टेप करनी चाहिए। लेकिन बेटे तुम इस टेप का करोगे क्या? पुलिस के हवाले कर दूंगा ताकि उन्हें आपकी असलियत का पता चल जाए। यानी तुम अपने बाप को पुलिस के हवाले कर दोगे? आप तो सिर्फ बाप हैं, बस के लिए मैं बाप के बाप को ना छोड़ूंगा। हेलियामास पिताजी, चाहता तो ये गोली आपके सीने के पार कर देता, लेकिन मैंने गोली सिर्फ आपको रोकने के लिए चलाई थी। मैं निशाना देखकर नहीं सुनकर लगाता हूं। नमूना दिखाऊं? आप जूते मत निकालिए पिताजी, क्योंकि आपकी ये खूबी है जब आप बोलते नहीं तो आपके जूते बोलते हैं। अब आप अपनी जगह खड़े खड़े चलते रहिए, और याद रखिए अगर आपके जूते नहीं बोले तो मेरी पिस्तौल बोलेगी। शाबाश पिताजी, शाबाश। ये क्या हो रहा है? अब चला गोली। तेरी मां मेरे कब्जे में है किशन, मैंने उसे ढाल बना रखा, अब देखता हूं तुम गोली कैसे चलाता। लगता है कोई आ गया। अब अच्छे बेटे की तरह अपने बाप का कहा मानो, नीचे जाओ और जितनी जल्दी हो सके आने वाले को नीचे से ही लौटा दो, और अगर तुमने किसी को कुछ बताने की कोशिश की उसका अंजाम तुम अच्छी तरह जानते हो। किशन, 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 आज तो कमाल हो गया, अदालत ने बसंती को बाइज्जत बरी कर दिया। सच? हाँ, और जिस आदमी से बदला लेने के लिए मैं पुलिस में भर्ती हुआ था उसका भी बहुत जल्द पता चल जाने वाला है। ये रहा उसका फोटो, काश तू इसे देख सकता यार। वो तो ठीक है, लेकिन अमित तू जा यार। कमाल करता यार, इतनी बड़ी खुशखबरी दी, ना खुश हुआ ना दाद दी, उल्टा कहता जा। नहीं मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन यार तू जा। जाता हूँ मेरे भाई, जाता हूँ, जरा एक ग्लास पानी पी लूँ, बड़ी प्यास लगी। नहीं पानी वानी कुछ नहीं, माँ किशन को ताला लगा कर गई है। पानी नहीं पिलाना है तो मैं पिला यार, लेकिन झूठ क्यों बोलता है, किचन तो खुला हुआ है। तू बहस क्यों कर रहा है अमित, मैंने कहा ना तू चला जा। देखा गिर गया ना, इसीलिए कह रहा था जब तक माँ नहीं आती मैं नहीं जाने वाला। माँ ऊपर खतरे में? अरे तेरे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ तू जा, अब जा ना, जा। जाता हूँ बाबा जाता हूँ, धक्का क्यों मारता है, अगली बार बुलाएगा तो भी नहीं आऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है। ये आदमी है, पहले घर बुलाता है फिर घर से धक्का मार के निकाल देता है। माँ, माँ, शाबाश,
तुम वाकई बहुत अच्छे बेटे। और मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? तुम गए नहीं तो फिर वो जीप की आवाज। जीप के एक्सेलेटर पर पत्थर रख दिया है मैंने। माँ की बच्ची है, चलो अंदर। क्या किशन? किशन, किशन, अमित तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, अमित अंदर घायल पड़ा है, उसे जाकर देखो। चल जल्दी जाओ। चल हट किशन। विक्रम सेठ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह रही तुम्हारी चाबी। मेरा हेलीकॉप्टर कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? इतनी जल्दी भी क्या है, आता ही होगा। उसके आते ही हेलीकॉप्टर भी तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। इतनी जल्दी क्या है? एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उस बच्चे को। नहीं ना, तो फेंको पिस्तौल। ये तो वही आदमी है जो मेरे बेटे को लेकर भागा था। बोल बोल, कहाँ है मेरा बेटा? तो कौन सा बेटा? वही जो बरसों पहले तुम उसे छीन कर भागे थे। सुनिए, ये वही आदमी है जो हमारे बेटे को लेकर भागा था। इसे पूछिए ना, कहाँ है हमारा बेटा? बोल बोल, कहाँ है मेरा बेटा? ये अपने बेटे की फिक्र पड़ी है, मैं अपने बेटे के लिए परेशान हूँ। मुझे नहीं मालूम तेरा बेटा कौन है और कहाँ है। लेकिन मुझे मालूम है झगी। तो अपने पुराने दिन भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूला। 300 रुपए में तूने इसके बच्चे का सौदा मुझसे किया था। बच्चों का सौदा करने का तुझे बड़ा शौक है ना? चल आज कर ले अपने बच्चे का सौदा। लेकिन मेरा बेटा है कहाँ? झगी, आगे नहीं बढ़ेगा। लो, मिलो अपने बेटे से। ये क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का तुमने? जरा ज्यादा शरारत कर रहा था तो क्लोरोफॉर्म सुंघा कर मैंने थोड़ी देर के लिए सुला दिया इसको। लड़ी बास्टर्ड, जल्दी करो पास्कल, इसका बेटा इसके हवाले कर दो। रुक जाओ विक्रम सेठ, इसका मेरा पुराना हिसाब बाकी है। लेकिन ये तो बताओ मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। बेटा चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? अब बताओ कहाँ है मेरा बेटा? बस 4 चूड़ियां। पास्कल जल्दी करो, ये क्या तमाशा है? पुलिस मेरे पीछे। एक मिनट विक्रम सेठ, ये मंगलसूत्र क्यों गले में पहन रखा है? क्या ये तुमको तुम्हारे बेटे से ज्यादा प्यार है? नहीं नहीं, ये मंगलसूत्र मेरे सुहाग की निशानी है। मैं इसे किसी कीमत में भी अपने से जुदा नहीं होने दूंगी। तेरा सुहाग मैं हूँ। ये सोने के टुकड़े और ये कच्चे धागे नहीं। इन कच्चे धागों में तुम्हारे सांसों की डोर अटकी है विक्रम सेठ। सुहाग की इस निशानी को मिटाओगे तो खुद भी मिट जाओगे। ये लो मां। अमित, इसे मालूम है कि मेरा दूसरा बेटा कौन है और कहां है? मालूम है, सब मालूम है। क्या मालूम है? क्या मालूम है? बता, मेरा भाई कौन है? बता, नहीं तो जान से मार डालूंगा। बताता हूँ, सब बताता हूँ। अमित, अमित तुम्हारा भाई है। मेरा भाई, भाई। अमित, मेरा बेटा। रुक जाओ, कहाँ जा रहे?
अरे भाई टेलीफोन उठाने जा रहा हूँ, कोई बम लगाने नहीं जा रहा हूँ। हमारा आदमी हेलीकॉप्टर में बम लगा रहा है। आपके ऑर्डर के मुताबिक इंजन स्टार्ट होने के ठीक 10 मिनट के बाद बम फट जाएगा। लो भाई विक्रम, ओल्ड एयरपोर्ट में मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा हुआ, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की मैं गोली मार दूंगा उसे। रुक जाओ। बाहर जाने की कोशिश मत करना पिताजी। मुझे जाने दे बेटे, अगर मैंने रुका तो तू मुझ पर गोली चलाएगा? नहीं नहीं, तू मुझ पर गोली नहीं चला सकता क्योंकि तेरे रगों में मेरा खून दौड़ता। वो खून तो बहा दिया आपने और उसकी कीमत भी वसूल कर ली सूद के साथ। हम तो इस औरत के बेटे हैं जिसे जिंदगी भर आपने अपनी पत्नी नहीं माना, जिसके सुहाग का सौदा करने के लिए तुले हुए थे आप। क्या है? चप्पल। कौन सा? कोलंबिया। नंबर? 6। 6 नहीं 6 नौ 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 कालिए नौ। अमित अमित जल्दी जल्दी करो जल्दी। जिंदगी में आखिरी बार फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी यहां चिता जलेगी और तुम्हारे मां बाप के हेलीकॉप्टर में, क्योंकि मैंने उसमें टाइम बम लगा दिया है। अमित अमित, मां मां को बचा। अमित आओ मेरे साथ। ट्रक बीच में फंस गया। पिताजी
साइकिल नहीं चला सकता। क्या करें? किशन, माँ की कार का एक्सीडेंट हो गया। क्या? तो इधर ठहर, मैं आता हूँ। माँ, 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 तू ठीक है ना माँ? तेरे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी? जरूर वो हेलीकॉप्टर से, लेकिन उस हेलीकॉप्टर में तो जग्गी ने टाइम बम रखा है। क्या? हाँ माँ। टाइम बम? हाँ। बेटी, किसी भी तरह अपने पिताजी को बचा लो। लेकिन माँ तू? मेरी फिक्र मत करो, किसी भी कीमत पर मेरे सुहाग को बचा लो बेटे। चल किशन, चल। आवाज में कुछ सुनाई नहीं देगा।
किसी के बच्चे, तूने अपने बाप को इतना बेवकूफ समझ रखा है तो वो तेरी बातों में आ जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, इसमें टाइम बम है। धीरे धीरे आंखें खोल दो। That's right. माँ, माँ मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, माँ मैं देख सकता हूँ। अमित, वो कौन है जिसने मुझे आंखें दी? वो जिंदा है? वो जिंदा है? हाँ किशन। अगर वो जिंदा है तो किस तरह उसने मुझे आंखें दी? किस तरह? डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्सीडेंट हो जाने की वजह से अगर किसी को कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो जाए तो वो अपनी आंखें दूसरे को दे सकता है। अमित, मुझे उससे मिला ताकि मैं उस मेहरबान का शुक्रिया तो अदा कर सकूं। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। आप, वो तो कर्ज था मुझ पर। तुम्हारी आंखें मैंने छीनी थी ना, उन्हें लौटाकर मैंने कर्जी तो अदा किया।